वीपी लोकप्रिय मई अमृतवाणी आए हुए सभी पूज्य शनि चरण श्री स्वामी ओम गिरि जी महाराज श्री स्वामी ईश्वर मुनि जी महाराज और भी सारे संत वृंद और आप सारे लोग सत्संगी लोग नगर के लोग सबके हृदय उपस्थित परम पिता परमात्मा को कोट कोट प्रणाम नमस्कार। कल से चल रहा है अनुष्ठान बड़ी श्रद्धा के साथ आप सभी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ उपस्थित होकर के आनंद मान रहे हैं खुशी मान रहे हैं। वास्तव में यही परमात्मा की हम सब पर दया है कृपा है कि परमात्मा को याद करने का समय हम सबको इस मानव शरीर में मिल रहा है और बहाना तो ये साध बाबा जी का है। कल भी मैंने कहा था कुछ पता नहीं है कि उनका प्राकट्य कब हुआ, लेकिन वो आपके बीच में से ही हैं, आपके बीच में से ही थे और यही चीज परमात्मा भी करता है। परमात्मा बार बार अवतार लेता है और ज्यादा अवतार तो इंसान के हुए हैं, इंसान के रूप में हुए हैं। जैसे वो परमात्मा कभी राम बन करके आए, कभी कृष्ण बन करके आए, कभी परशुराम बन करके, कभी वामन बन करके, कभी नारद, कभी संकाद ऋषि, कभी भगवान दत्तात्रेय, कभी कपिल बन करके आए, कभी राजा पृथु बन करके आए, कभी मोहिनी अवतार लिया, कभी एक वैद्य धन्वंतरी का अवतार, कभी वेद व्यास बन करके आए, कभी भगवान गौतम बुद्ध बन करके आए, क्योंकि जिससे हमें लगे कि वो परमात्मा हमारा है, परमात्मा से हमारा निज का संबंध हो जाए। भगवान श्री राम बहुत समय तक लोगों के बीच में रहे, राजमहल में नहीं रहे। राम जी को जब राजा बनना था तो जंगल चले गए और जंगल में जो जंगल के लोग थे, बनवासी लोग थे, जो पहाड़ गिरी में रहते थे, कंदरा में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, उनके बीच में रहे। जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान नहीं थे, लेकिन आम लोग थे, आम इंसान थे, उनके बीच में राम जी रहे। भगवान श्री कृष्ण ने भी 11 साल तक उन्होंने ढोर चराए, 11 साल के बाद भगवान पढ़ने के लिए गए। वो तो एक बहाना था कि गुरु के आश्रम में जाकर के विद्या प्राप्त करना। 11 साल तक भगवान श्री कृष्ण ने पैरों में जूतियां नहीं डाली। भगवान कहते कि गाय तो देखो, गाय बछड़े तो जूती नहीं पहनते, तो हम क्यों पहने। एक प्रेम था। भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खा लिए, सबरी को प्यार देना था, सबरी से नाता जोड़ना था। भगवान सेवक की नाव में बैठ गए थे, क्यों बैठ गए थे कि एक गरीब को दिल से लगाना, एक गरीब को गले लगाना। वो केवट सोच भी नहीं सकता था कि राम हमारी पुरानी सी, बहुत पुरानी सी नाव में बैठेंगे क्या। राम तो धरती को लांघ सकते हैं। वामन अवतार में भगवान ने पूरी धरती को नाप लिया था, नदी पहाड़ सब नाप लिया था, राजा बलि के दरबार में या यज्ञशाला में। लेकिन ओ राम जी गंगा को नहीं पार कर सके। गंगा पार करने के लिए वे गंगा के किनारे एक केवट से नाव मारते, उससे राम जी की बड़ाई नहीं हुई, उससे केवट की बड़ाई हुई कि परमात्मा इतना दयावान है, परमात्मा के अंदर इतनी दया है, करुणा है, कृपा है, प्रेम है और इसीलिए परमात्मा हर चीज आपको फ्री में दे रहा है। ये धरती पर रहने की जो जगह है फ्री में आपको मिली हुई, कभी कोई परमात्मा की ओर से किराया नहीं मांगा जाएगा। जो हम पानी पीते हैं परमात्मा कभी आपको कोई बिल नहीं भेजने वाला। आजकल ऑक्सीजन की बड़ी समस्या चल रही है, परमात्मा कभी आपको ऑक्सीजन का बिल नहीं भेजेगा, कभी सूरज की रोशनी का बिल आपके पास नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि परमात्मा आपसे प्रेम करता है, आपसे प्यार करता है, जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने परिवार से, पशु प्राणी से प्यार करते हैं, ऐसे ही परमात्मा आपसे दिली प्यार करता है। और जहाँ प्रेम होता है, जहाँ स्नेह होता है, जहाँ लगाव होता है, जहाँ अपनापन होता है, वहाँ लेन देन नहीं होता।
वहां तो जो कुछ परमात्मा का है वो आपका है, जो आपका है वो परमात्मा का है। ये बड़ा शुभ कार्य हो रहा है इस स्थान पर। सच में एक संत की महिमा है, संत की महिमा तो महाराज जी की वाणी में बहुत सारी बार, बहुत अनेकों बार, सैकड़ों बार महाराज जी की वाणी में संत की महिमा लिखी हुई है। महाराज जी की वाणी का अंतिम श्लोक है, दास गरीब संतन को सेव 84 मत गई सुखदेव। देखो सुखदेव जो इसे महाज्ञानी की भी अंतिम गति संत के द्वारा हुई। दास गरीब संतन को सेव 84 मिट गई सुखदेव। जिसको 84 मिटानी है वो किसी संत से प्यार करने लग जावे, संत से स्नेह करने लग जावे। और यहाँ निश्चित ही आप सारे नगर निवासियों को, जितने सारे लोग यहाँ बैठे हैं जुड़े हैं, उन सबको इस साध बाबा का प्रसाद मिल रहा है, उनकी मेहर आपको मिलेगी। कल भी मैंने कहा था आप रोग चढ़ाते हो और भी तमाम चीजें, मैंने देखा अंदर बहुत सारी पादुका खड़ाऊ रखी हुई है, ये बढ़िया चीज है। मैं कहीं कथा करने के लिए गया तो एक माता जी वो खड़ाऊ मुझे बना कर खिलाई, तो हमने सोचा कि चलो मेरे पास खड़ाऊ है टूटने वाली है तो मेरे पास दो खड़ाऊ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं आपकी और दूसरी खड़ाऊ मैं लूंगी, ये आप दूसरी ले लो। तो हमें तो थोड़ी अड़चन हुई क्योंकि नई खड़ाऊ पहनने में, चप्पल तो होती नहीं, खड़ाऊ तो पहनना थोड़ा ओखा काम है। तो फिर हमने कहा चलो बेचारी इतने ख्याल से लाई है, तो अपनी खड़ाऊ मैंने उनको दे दी और उनकी वाली हम गाड़ी में रखी हुई है। तो ये बहुत बड़ा प्यार है कि साधु संत महात्मा को प्यार करना। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर परमात्मा से हम सीधे नहीं जुड़ सकें तो किसी साधु संत महात्मा से जुड़ जाओ, ये बहुत अच्छी बात होती है। हनुमान जी राम जी जब आ गए अयोध्या में, आ गए राजा बन गए, तो लड़ाई में जितने लंका में लड़ाई लड़ने वाले थे, जितने सेनानी थे, तो राम जी ने सबको एक एक करके विदा कर दिया, सुग्रीव को, अंगद को, जमवंत को और भी जितने थे नल नील, सब एक एक करके राम जी ने कहा कि अब जाओ अपना काम धाम देखो और जो तुम्हारी जिम्मेदारी से संभालो। तो हनुमान तो राम के पास रहना चाहते, तो हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं राम जी के पास जाऊंगा तो राम जी हमें भी कह देंगे कि तुम ही जाओ। तो हनुमान जी ने बुद्धिमानी का काम किया। हनुमान जी ने सुग्रीव उनके राजा थे, तो हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा कि महाराज, हे सुग्रीव महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राम जी के पास रह जाऊं। तो सुग्रीव कैसे मना कर सकते हैं? सुग्रीव ने कहा ये तो मेरी आज्ञा है, ये तो बहुत बड़ी बात है, अगर तुम राम की सेवा में रुकना चाहते हो अयोध्या में तो तुम्हें रुकना चाहिए। तो सुग्रीव तो एक कह करके चले गए। तो भगवान जब राम जी के पास आए तो राम जी कुछ बोले, उससे पहले हनुमान ने कहा कि महाराज मैं तो यहाँ रुकूंगा। राम जी ने कहा नहीं, सारे चले गए तो तुम्हें भी जाना चाहिए। तो हनुमान ने कहा कि महाराज सुग्रीव की आज्ञा है कि मैं आपके पास रहूं और आपकी सेवा करूं। तो कई बार परमात्मा से सीधे लगाव जुड़ाव नहीं हो तो किसी के बहाने से, और फिर परमात्मा उसे स्वीकार कर लेता है। एक संत का स्थान है, एक दिव्य स्थान है, आप लोगों के आने से, आपकी श्रद्धा आस्था से ये स्थान और शोभा प्राप्त कर रहा है। निश्चित ही एक संत की तपस्या आज सफल हो गई, इतने सारे लोग रात के समय यहाँ बैठे। संत की तपस्या ना बीज जैसी होती है, जैसे बीज जो है देखने से नहीं पता चलता, जैसे बड़ का बीज होता है, पीपल का बीज होता है, छोटे छोटे बीज होते हैं। वहां तारापुर कुटिया के पास देखो कितना बड़ा बड़ का पेड़ है, वो छोटा सा, उसका बीज तो छोटा सा होता है लेकिन उसमें ना उसकी जो डालियां है वो 50-50 फुट लंबी है, मोटी मोटी डालियां है, कितनी ज्यादा छाया है, कितनी सारी लकड़ियां, कितने पत्ते, कितने पशु प्राणी उसके नीचे उसके ऊपर भी उनको सहारा मिलता है। तो ऐसे संत की तपस्या होती है और वो तपस्या बाद में